आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार में आ सकती है, ये संभावना पहली बार बनी है। हमारे महामंत्री श्री अरुण सिंह जी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मित्रों, मैं अनुराग जी को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पंच क्रांति अभियान की आज शुरुआत की है। एक प्रकार से शुरुआत के लिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। बिहार में भी इस बार एक विचित्र परिस्थिति है। हमारे सभी विरोधी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। लालू जी कहते हैं कि ये मंडल टू का चुनाव होगा। उनके साथ जो बैठी होती हैं जिस सभा में कहा सोनिया जी, तो मंडल टू के खिलाफ सबसे तीव्र भाषण तो राजीव जी ने दिया था। नीतीश कुमार पावर में आए थे ये कहकर कि जंगल राज को हराना है, आज उन्होंने उस जंगल राज को अपना लिया और अपने कंधों के ऊपर उठा दिया। लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने वाले रोज शाम को 4 बजे एआईसीसी दफ्तर चले जाते हैं उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। नौजवान आगे आ चुका है, बिहार के चुनाव में भी उस बदली हुई केमिस्ट्री के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी विजयी रहने वाले हैं। उन देशों का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो मजाक में कहते हैं कई बार कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें इतनी भीड़ अपने देश में सुनने को नहीं आती, आपके प्रधानमंत्री यहां आ जाते हैं, उनको आ जाती है।